अब इसको जब मुझे उठाना है तो ऐसा नहीं अंदर में कोई लीवर पकड़ कर उठाना है, यहाँ पे बटन है, इसको दबाना है और ये उठ जाएगा। इस हाजिर और टेक्निकल वीडियो में आज मैं स्टीलबर्ड की तरफ से SBA 1 का रिव्यू करने वाला हूँ, R2 के मॉडल का, और ये है इसका कलर। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा जिगरी दोस्त प्रणव, जिसके वजह से ये हेलमेट मुझे मिला। एक्चुअली ये हेलमेट उसी का है और बेसिकली मैं उससे छीन के लेके आया हूँ इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है कि भाई इसको दे, इसको रिव्यू करना है क्योंकि हेलमेट मस्त है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि बहुत सोच समझ के इसका डिज़ाइन किया गया है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस हेलमेट का जो प्राइस है अराउंड 2000 प्लस से आता है, प्लस इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस रेंज वेरी होता है इसका कलर के ऊपर। तो इसका जो चार्ट है मैं दे दूंगा क्या क्या कलर इसमें अवेलेबल है, ओके। और इसके जो फीचर्स जो हैं इसको समझाने के लिए मुझे कोई एक हेलमेट के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। तो कंपेयर करने के लिए मेरा जो हेलमेट है वेगा ऑफ रोड हेलमेट, मैं इसको लेके आ रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये मेरा पुराना हेलमेट है, ओके, बहुत सालों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है, ठीक। दोनों हेलमेट डुअल वाइज़र है, दोनों में आपको सिल्वर प्लेटिंग का आपको अंदर का वाइज़र मिल जाता है, ठीक है। वेगा में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइज़र, ठीक है, और यहाँ पर आप नोट करेंगे, अगर बारीकी से आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रैच पड़ गया है, ओके, आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, और इधर में भी पड़ा है साइड में यहाँ पे, ओके, अब देख पा रहे हैं आई थिंक, ठीक है, अंदर में। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए, इस वाइज़र को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, नॉब नहीं, पकड़ने के लिए एक छोटा सा प्लेट दिया गया है, इसको पकड़ के आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ये करने से क्या होता है, ये जो फुल जो वाइज़र जो है, ये जो फुल जो वाइज़र जो है ये हिलता है, अगल बगल में हिलता है, और इसके चक्कर में अंदर का जो लाइनर है यहाँ पे घिस के घिसते घिसते ये जो स्क्रैच है अंदर में पड़ जाता है, अंदर में ये वाला, ठीक है, और बाद में आपको इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है स्टील बर्ड में, यहाँ पे किया गया है अंदर से एक्सेस करने का कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें, जो भी एक्सेस करना है आपको बाहर से करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको दो नॉब मिलता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फीचर्स मैं दिखाता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है, वो ये है, देखिए इसको जब मैं पीछे की तरफ ढकल रहा हूँ तो वाइज़र ऑन हो गया, उतर गया, ठीक है। अब इसको जब मुझे उठाना है तो ऐसा नहीं अंदर में कोई लीवर पकड़ कर उठाना है, यहाँ पे बटन है, इसको दबाना है और ये उठ जाएगा। तो ये फीचर मुझे काफ़ी कूल भी लगा और बहुत सोच समझ के ये फीचर दिया गया है, क्योंकि गलती से लोग समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है कस्टमर को, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, ये स्क्रैचेस जो देख रहे हैं अंदर का वाइज़र में, और इसका सोल्यूशन ये हेलमेट है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जब अंदर का वाइज़र जब उतारना है, जब काफ़ी धूप हो जाता है, आपको अंदर का वाइज़र को उतारना है, शाम के टाइम में आपको उठाना है, मेनली ये लॉन्ग राइड में ज़्यादा काम आता है, उस बाद आपको क्या करना होता है कि इस टाइप के हेलमेट में, वेगा में, इसको पहले जो क्लियर वाइज़र है उसको उठाओ, फिर इसको उतारो, फिर अपोजिट, फिर इसको उठाओ और इसको ऊपर के तरफ इसको उठाओ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए ये वाला फीचर है, ठीक है। आपको अंदर का वाइज़र ऑपरेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जैसे वाइज़र क्लियर वाइज़र है, क्लियर वाइज़र ऐसा ही रहेगा, और बस आपको अंदर से इसको ऑपरेट करना है, इसको पीछे खींचने से चला जाएगा, लॉक हो गया, मतलब वाइज़र उतर गया अंदर का, और इसको दबाने से उड़ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्लियर वाइज़र जो है वेगा का, इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है। ये काफ़ी सारे हेलमेट में ऐसा होता है कि साइड में एक नट या स्क्रू कुछ भी एक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया गया नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कंपोनेंट क्रिटिकल टाइप का नहीं है, इसको बस आपको खींचना है ऊपर और इसको वाइज़र को निकाल देना है। तो यहाँ पर कोई स्क्रू या कोई भी वाशर का कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ईजी टू रिमूव है, और ये फीचर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भी अपर वाला वाइज़र को क्लियर करने के लिए मैं इसको खोलता था तो हो सकता है कि कहीं ये गुम हो जाने का चांस है या कुछ भी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको पुल करो, निकालो, इसको क्लीन करो, फिर लगा दो, ओके। आगे बढ़ने से पहले ऊपर का जो ये स्टिकर है मैं इसको पील ऑफ कर लेता हूँ। हेलमेट काफ़ी कूल लुकिंग है दोस्तों, मतलब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का देखने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वेंटिलेशन का अगर बात करता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट है जो आपको चिन एरिया जो है यहाँ पे एक वेंटिलेशन पॉइंट मिलता है, यहाँ पे आप नॉब एक देख पा रहे हैं, इसको ऊपर करने से ये वेंटिलेशन ऑन हो जाता है और इसको डाउन करने से वेंटिलेशन ऑफ हो जाता है।
यहाँ पे एक वेंटिलेशन और विथ फिल्टर यहाँ पे दिया गया है, जिसको ऑन ऑफ करने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस तरह से डिज़ाइन है कि यहाँ से पानी अंदर नहीं जाएगा, मतलब वाइजर के अंदर आप पानी अब नहीं देख पाएंगे, ओके। और फिर ऊपर में एक वेंटिलेशन का पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, और इसको पीछे खींचने से यहाँ पे एक अब देख सकते हैं गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे एयर जाने का एक अच्छा प्रोविजन दिया गया है, और इसको सामने खींचने से ये बंद हो जाता है। बैक साइड में भी दो वेंटिलेशन का प्रोविजन दिया गया है, जो जो सामने से हवा एंटर कर रही है हेलमेट के अंदर में, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है हेलमेट के अंदर में, वो यहाँ से एग्जॉस्ट होकर बाहर होकर निकल जाएगी। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि हेलमेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो ISM मार्क अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसके ऊपर अभी चालान भी काटा जा रहा है। अगर आपका हेलमेट ISM मार्क नहीं है तो उसके ऊपर अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके अंदर में और एक चीज़ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, मैं थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये अंदर का जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। मुझे एक चीज़ जो डाउन साइड मुझे लगा, जो सामने जो चीन एरिया है यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कुशनिंग नहीं मिलता है, जो कि बाकी हेलमेट में थोड़ा थोड़ा करके फिर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है, पूरा एरिया ये फ्लैट है। लेकिन ये भी अच्छा है कि जब ये हेलमेट को मैं पहन के जब मैंने चेक किया था तो चीन एरिया से ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा पार्ट है। जो अच्छा चीज़ और भी मुझे लगा वो ये है कि ये हेलमेट जो जो लोग मोटो व्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, ग्रुप में राइड करना पसंद करते हैं, और तब कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसके लिए ब्लूटूथ हेडसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। ब्लूटूथ जो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम मिलता है मोटो व्लॉगिंग के लिए या राइडर्स के लिए, तो यहाँ पे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी जगह दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर्स आ जाएगा आपका, ऑलरेडी मेरा वेगा में इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए पुराना हो चुका है, तो ये और इधर आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ तो ये ब्लूटूथ सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं माउथ पीस सब लगा हुआ है एक्शन कैमरा के लिए, तो यहाँ इस हेलमेट में आपको काफ़ी वो सब जगह ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे सामने वाला जो एरिया है यहाँ पे जो माउथ पीस जो रहेगा ब्लूटूथ के लिए, या आपको एक्शन कैमरे का जो स्पीकर माइक जो रहेगा उसके लिए काफ़ी एरिया है, जो हेडसेट जो है सुनने के लिए वो एरिया यहाँ पे काफ़ी जगह दिया गया है। ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ दिमाग में रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। हेलमेट में जो भी कुशनिंग आप देख रहे हैं ये नॉन रिमूवेबल है, ऐसा नहीं कि बाहर इसको निकाल के या यहाँ पे कोई क्लिप दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे वेगा या दूसरे हेलमेट्स में होते हैं कि क्लिप रहता है, इसको निकाल के वॉश करके फिर से लगा दिए, तो जो भी वॉशिंग मशीन जो करना है इसका अंदर में करना है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में, इस डिज़ाइन में और इतने सारे फीचर्स में मुझे लगता है कि ये एक नंबर हेलमेट बन जाता है। दोस्तों वाइज़र में जो स्टिकर लगाया गया था वहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंस वाइज़र नीचे में लिखा हुआ है, और ऊपर में लिखा हुआ है पॉलीकार्बोनेट सिलिकॉन हार्ड कोटेड। ये जो चीज़ रहता है इसके ऊपर एक कोटिंग रहता है, ठीक है, जो काफ़ी हद तक इसको स्क्रैच प्रूफ बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप इसमें रगड़ देंगे तो स्क्रैच पड़ेगा नहीं, ठीक है। मार्केटिंग पॉलिसी रहता है वो अलग लेवल में है, लेकिन काफ़ी हद तक स्क्रैच प्रूफ है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसको स्क्रैच टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मेरा दोस्त का है, नहीं तो वो मेरे को स्क्रैच कर देगा, तो वो चीज़ दिमाग से मैं निकल दे रहा हूँ। बकल स्ट्रैप का जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये लॉक होता है, हम देख सकते हैं, और आप एक ही हाथ से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। बकल स्ट्रैप को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक प्रोविजन दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो वाइज़र जो है, क्लियर वाइज़र जो है, जब मैं उसको उठाता हूँ तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इस एरिया पे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये जो गियर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो घाट बना हुआ है, ये एक्चुअली क्लियर वाइज़र स्मूथली ना ऑपरेट हो उसके लिए दिया गया है, मतलब कोई भी एरिया में आप इसको लॉक करके रख सकते हैं, ठीक है, ये जो कट कट आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ ही बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया, जो मटेरियल यूज़ किया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारा हेलमेट में ऐसा रहता है कि ये काफ़ी बार ऊपर नीचे करते करते ये लूज़ हो जाता है, और जब आप ऊपर का तरफ इसको रखते हैं तो तुरंत ही उतर के नीचे आ जाता है। जैसे मेरा ये वेगा का हेलमेट है, ठीक है, ये जो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, जैसे मेरा ये जो वेगा का हेलमेट है, देखिए मैं जब क्लियर वाइजर को ऊपर कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, देखिए उतर जा रहा है, ठीक है, उतर जा रहा है, ठीक है, पीछे करके दिखा देता हूँ, देखिए इसको ऊपर किया,
ठीक है, बहुत बहुत लूज है। ये भी इसी टाइप का था, कट कट करके ऊपर उठता था, ठीक है, लॉक होता था, लेकिन अभी इसमें इस टाइप का नहीं है। रीज़न ये है कि अंदर में जो मटेरियल यूज़ किया गया था दोनों ही प्लास्टिक का था, और आपस में रगड़ रगड़ के वो चीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रख के डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे क्या किया है, जो वाइजर है वो तो पॉलीकार्बोनेट का है, ठीक है, लेकिन अंदर में जो गियर जो बनाया गया, जो घाट जो बनाया गया है, ये पॉलीकार्बोनेट का नहीं है, ये एक रबराइज्ड मटेरियल है, सॉफ्ट है, सॉफ्टर देन दिस पॉलीकार्बोनेट। मतलब ये है कि पॉलीकार्बोनेट इसमें डगर के ये वाला जो आप लॉकिंग का जो सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें घाट, जिसमें ये ग्रूव में जो फंस रहा है, ठीक है, थोड़ा ग्लेज मारा जी ये वाला, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, ये रगड़ के ये ख़त्म नहीं होगा और ना ही ये ग्रुप ख़त्म होगा, ठीक है। और इन केस अगर ये अंदर का पैडिंग ख़राबी हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये लॉन्ग यूज़ करने के बाद भी मुझे नहीं लगता ये ख़राब होने वाला है। अगर ये पॉलीकार्बोनेट का होता, अंदर वाला प्योर पॉलीकार्बोनेट होता, तो धीरे धीरे दोनों चीज़ आपस में रगड़ के ख़त्म हो जाता। अब आते हैं इसका थोड़ा बैक साइड में आपको चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इसका वेट लिखा है 980 प्लस माइनस 50 ग्राम। ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी सेफ्टी नॉर्म्स में जो हेलमेट का ओवरऑल जो वेट है वो अभी रिड्यूस हो चुका है। आई थिंक पहले टाइम में था 1.2 केजी मैक्सिमम वेट अलाउबल था, ठीक है, लेकिन अभी वो रिड्यूस हो गया 980 अभी ग्राम हो चुका है। तो ये चीज़ अच्छा है कि ये रूल भी इसमें माना गया है। और साइज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, साइज में कभी भी गलती मत कीजिएगा और इसको इग्नोर भी मत कीजिए। अगर गलती से आप ओवर साइज या डाउन साइज में अगर परचेस कर लेते हैं और सोचते हैं चलो ठीक है ये धीरे धीरे खुल जाएगा, लूज़ हो जाएगा या मैं इससे काम चला लूँगा, तो ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ओवर साइज अगर हेलमेट अगर खरीदते हैं आप, ये टोटली लूज़ आपके सर में पूरा हिलते डुलते रहता है, जब भी कभी भी कुछ इम्पैक्ट ज़ोर से होगा तो ये चीज़ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका चिन पोर्शन या नीचे का जो जॉ पोर्शन है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा है, अगर ये अंडर साइज अगर होता है, मतलब पूरा चिन को पकड़ के रख रहा है, चिक्स को पकड़ के रख रहा है, एकदम दबा के रख रहा है, तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। और सर ऐसा भी केस मैंने देखा है कि इतना हेलमेट ज़्यादा टाइट रहता है कि जब लोग बात करते हैं तो हेलमेट भी उनके जॉ के साथ या चिक्स के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इतना टाइट वो पहन लेते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिएगा, ये आपका लॉन्ग राइड के लिए भी सही नहीं है और जब इम्पैक्ट कुछ भी होगा तो उस चीज़ के लिए भी सही नहीं है। तो मेरे पास मेजरिंग टेप तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जो मेजरिंग टेप आपके पास रहेगा, ठीक है, वो आपको क्या करना है, जो आपका फोरहेड है पूरा स्ट्रेट ऐसे मत आप मेज़र कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा टैपर करके नीचे की तरफ आप मेज़र कीजिएगा, ताकि फुल जो आपका सर्कमफेरेंस है, जो मैक्सिमम एरिया है, वो आप कवर कर पाएँ। फिर मेजरमेंट आएगा, आप चार्ट के साथ टैली कर लीजिए, उस हिसाब से जो रिकमेंडेड हेलमेट है आप उसको उसी को परचेस कीजिए। जैसे मेरे हिसाब से और मेरे दोस्त के हिसाब से दोनों का सेम साइज आ रहा था 58 सेंटीमीटर, तो इसीलिए ये 580 mm का ये साइज है। यहाँ पे लिखा भी है कि 580 mm का, ये पीछे के साइड में आपको दिखाई देगा। चलिए इसको पहन के भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका लुक आता है पहनने के बाद। तो ये देखिए, मैं इसको स्ट्रैप को फुल टाइट कर देता हूँ, ये एकदम प्रॉपर साइज है, इसीलिए मेरा चिन भी ओवर एक्सपोज भी नहीं है, एकदम अंदर में है। अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो मेरा सर जो चिन है सब कुछ एकदम सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी अंदर का जो वाइजर है, ठीक है, वो सनस्क्रीन जो वाइजर है उसको मैं ऑन करता हूँ, तो देखिए कितने ईजिली ये हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी ये कूल है सिस्टम। और इसको अगर मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो साइड में जो स्विच है इसको दबाना है, अब बस ये उठ गया। और वाइजर डाउन करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, साइड लुक्स भी देख लीजिए कैसा लग रहा, नहीं लग रहा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी फ्रेंड को अगर ये हेलमेट रिकमेंड करना चाहते हैं, ये इस हेलमेट के बारे में समझाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।